गुड आफ्टरनून दोस्तों, जिंदगी परेशान है फिर भी जीने में आसान है। मैं संजय पारदी यहाँ पर आपके परेशानी की हर एक सोल्यूशन लेके आ चुका हूँ और आज एक नया सोल्यूशन आपके हाथ में लेके आया है। अरे यार, किसी को कहीं जाना है लेकिन जाना कहाँ है, सही दिशा में जाना है। तो वो दिशा दिखाने के लिए हम हर दिन हर समय आपके साथ में है और आज उसी समय को ध्यान रखते हुए आज हमने क्या काम किया है सोचिए यार, थोड़ा सा सोचिए। एक्टिंग फील्ड में आप अपना करियर कैसे बनाएंगे, आप अपने आप को कैसा मोटिव करते जाएंगे और किस तरीके से आगे बढ़ेंगे, इसलिए एक्टिंग फील्ड में आपके करियर को बिल्ड करने के लिए मैं लेके आया हूँ एक ऐसे डायरेक्टर जिन्होंने अपने करियर में कुछ मूवीज बनाई है, कुछ चीजें बनाई है, कुछ अच्छी चीजें है, कुछ शोध निबंध है। तो आइए, उन्होंने अपने मेहनत से कुछ नई चीजें बनाई है, उन चीजों को मैं यहाँ पर आपके सामने रूबरू कराऊं। और तो मैं संजय पारदी उनको लेके आया हूँ। सर है हमारे साथ में किशोर जी देसकर सर, अगर इनकी बात करूं तो यार इन्होंने देखिए सबसे पहले तो आर्ट के फील्ड में पढ़ाई की, आर्ट के फील्ड में पढ़ाई करने के बाद में सोशल वर्कर में भी पढ़ाई की। आफ्टर ऑल देखिए उनका एक्टिंग का जो जुनून था ना, वो जुनून उनको यहाँ तक के ले गया है कि आज उनकी शॉर्ट मूवी रिलीज हो चुकी है। और उन मूवी की जो बात करें ना दोस्तों, आप एक बार सचमुच देख के देखना, दिल यार गदगद हो जाएगा। तो चलिए हम मिलते हैं नए पर्सनालिटी से किशोर जी देसकर, ये बताएंगे हमें एक्टिंग के संदर्भ में। तो सर मेरा एक क्वेश्चन है आपको बच्चों की तरफ से, ये आप तो टीचिंग फील्ड में थे जी। आप शायद मैंने सुना है कि आप 6 ईयर्स किसी स्कूल में अध्यापक के तौर पे रहे हैं, एक मैनेजमेंट का भाग रहे हैं बिल्कुल। लेकिन ये सब होते हुए आपको किस तरीके, ये ऐसी क्या दिमाग में आया कि हम लोगों ने यार कहीं एक्टिंग में भी वर्क करना चाहिए? जी सर, मैं मुख्य अध्यापक के तौर पे एक पोमल हाई स्कूल तांडा करके है, उस विद्यालय में रहा हूँ। तो सर मैं जुड़ा हूँ बच्चों के साथ में, जो बच्चे नेचुरली टैलेंटेड होते हैं एक्टिंग के फील्ड में, उनको आप कैसे ही बता दो वो एक मोल्ड हुई मिट्टी के समान होते हैं कि आप उसको बस मोड़ दो तो चलते रहेंगे। तो मुझे उनसे प्रेरणा मिली कि कुछ करे किया जाए। तो देखा सर कि बच्चे जब स्टेज पर बस हल्का सा डायरेक्शन कर दे तो स्टेज पर वो थे नाचते हैं, झूमते हैं और जैसे चाहे वो बिल्कुल अपनी एक्टिंग और अपना प्रदर्शन शो करते हैं। तो हमने सोचा कि नहीं, हम बच्चों का टैलेंट आगे लाए और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आपका यूट्यूब चैनल है, हमारे यूट्यूब चैनल है, तो क्यों ना अपने प्लेटफॉर्म पे वो कुछ परोसे जो बच्चों के हित में हो और बच्चों के लिए काफी फायदेमंद हो। बिल्कुल। तो प्रेरणा उसी से बच्चों से ली गई और हम बस चलते गए, कारवा चलता गया और मंजिल मिलते गए। जी सर, यानी देखिए सर काम करते गए। लेकिन आज मुझे एक लगा सर कि आप थोड़ा अब जो ये अभी तक के जो वर्क कर रहे थे जी सर जी, इसमें थोड़ा सा कहीं आपको लिमिटेशंस आ रहे थे जी सर, और इस वर्क में मुझे लग रहा है कि जो मेरे प्लेटफॉर्म पे मुझे जो हेल्प मिली है एग्जाम विश्वा है ना, एग्जाम विश्वा के सर जो है डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म है या फिर बहुत सारी चीजें हमको अवेलेबल करा के देते हैं सर्वर वगैरह, उनका भी कुछ आपको हेल्प वगैरह मिल रहा है? बहुत बहुत हितेश कुमार पटले सर का मुझे बहुत बड़ा हेल्प मिली सर इस फील्ड में। उन्होंने मेरा एक ऐप है माई डैशिंग इंडिया करके, वो डेवलप भी करके दिया, उनकी बहुत बड़ी टीम है। और सर हितेश कुमार पटले सर एक मोटिवेशनल स्पीकर करके रहे हैं, तो जिन्होंने 36 बुक्स पब्लिश किए हैं एफपीएससी यूपीएससी के बच्चों के लिए, तो उनका मोटिवेशन मुझे कहीं ना कहीं सर मिला सर, और गाइडेंस मिला। तो उस गाइडेंस के हेतु सर क्या हुआ कि मैं सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे अपने बच्चों का जो एक्टिंग फील्ड है उनको मैं एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे पाया। एक जगह सर आपके और इंट्रो में मैंने ये पढ़ा था कि आप एक डायरेक्टर के साथ साथ एक अच्छे एक्टर भी हैं, उसके साथ साथ एक कवि भी हैं, और आपकी एक काव्य किशोरी करके ऐसी कुछ जो पोयम की बुक है वो आगे आई है जी जी, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए बच्चों को कि उसमें बच्चे अपना करियर जो है वो बिल्ड कर सकते हैं क्या? बिल्कुल सर, क्यों नहीं। लाजऱ्या मनातला तरंग वेगळा लिहायचा मला अभंग वेगळा। अरे वाह, क्या बात। लाजऱ्या मनातला तरंग वेगळा लिहायचा मला अभंग वेगळा, पावसाळ्यात पतंग लाख पाहिले दिव्यावरी चढतो पतंग वेगळा, पतंग वेगळा। कुसुमाग्रज की जो कविता है सर ने यहाँ पर बिल्कुल बता दिया। तो चलिए सर के ऊपर भी मैं एक थोड़ी सी कुसुमाग्रज की बात कर देते हैं। यहाँ पर देखिए जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, और आफ्टर ऑल जब जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो हमारे कुसुमाग्रज वो भाई साहब है जो विवाह सिरवाड़कर, ठीक है, इन्होंने क्या काम किया, जब उस समय को देखा तो उस समय में मन में अलग सी बात आ गई, और उन्होंने जब लिखा है आस पास मुर्गा चिरास, नहीं वो चीज नहीं थी, मैं तो दूसरा बता रहा हूँ, पाचोड़िया परी पल्ली प्रेतांची रास,
पाचोळ्या परी पडली प्रेतांची रास, नयन झाकले असेल देवा तू आपले खास। असे ही सैतानाची प्रभुवरील मात आणि एक जखम येशू तुझ्या कारण जातं। तो यहां पर देखिए कुसुमाग्रज यानी विवाह शिरवाड़कर साहब यहाँ पर कविता लिख के अपना करियर बना सकते हैं। तो यार आप भी अपना करियर बना सकते हैं, निश्चित एक मोटिवेशन सर से हमें मिल रहा है कि सर भी अपना करियर इस तरीके से बना रहे हैं जो काव्य किशोरी है। उसके बाद में कुछ मुझे ये भी सुनने मिला है कि कचारगढ़ की गुफा, जी सर जी बिल्कुल, हमारे गोंदिया जिला का वैभव है बिल्कुल, और ये इतना बड़ा जो वैभव है इस वैभव को लोगों तक के ले जाने के लिए कुछ वर्क आप भी कर रहे हैं, ये मुझे सुनने मिला है। ये प्रेरणा आपको कहां से मिली? सर मेरे जो प्रोजेक्ट ऑफिसर आए हैं जितेंद्र चौधरी सर, उन्होंने मुझे एक शोध यानी एक थीसिस लिखने के लिए कहा था कि कुछ जाओ और कुछ कचारगढ़ के ऊपर कुछ बनाइए। तो उनकी प्रेरणा से मैं कचारगढ़ गया और वहां से कचारगढ़ से सर बहुत ही आशिया खंड की सबसे बड़ा विशाल गुफा है और प्राचीन है सर। तो उनके मोटिवेशन से मुझे कचारगढ़ जाने का सौभाग्य मिला और सर ऐसे सौभाग्य मिला कि कचारगढ़ का एक शोध यात्रा ही हमने तैयार कर दी। अरे वाह क्या बात है सर। और वो हमारे YouTube चैनल पर मैडेशन इंडिया पर भी प्रकाशित हो चुका है उसके, और शोध प्रबंध हमने अदर प्लेटफॉर्म पे भी प्रकाशित किया है। तो एक बहुत थ्रिलिंग एक्सपीरियंस रहा है। और आज देखो आपकी लर्निंग टैलेंट हंट पर भर भी वो कचारगढ़ गुफा का नाम आया, तो मैं चाहता हूँ कि सर कचारगढ़ गुफा पूरे विश्वविख्यात हो और अदर कंट्रीज 190 कंट्रीज जो है हमारे जो प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं आज वॉच कर रहे हैं 190 सर, तो वहां पर भी ये कचारगढ़ गुफा पहुंचे। ये छोटा सा प्रयास, मैं गोंदिया जिले का रहवासी हूँ और गोंदिया जिले में जो कचारगढ़ गुफा है सर, तो उसको भी वर्ल्ड वाइड हो ऐसा मेरा छोटा सा प्रयास है सर। क्या बात है सर, क्या बात है। यहाँ पर आपके चौधरी सर के लिए भी एक बार हमारा चैनल बिल्कुल उनको शुभकामनाएं देता है, क्योंकि अगर वो आपको मोटिवेट नहीं करते जी सर, जी, जी। तो कहीं ना कहीं आप उसके ऊपर शोध निबंध नहीं जी, 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 सर, जी। सर उसके बाद में एक छोटा सा क्वेश्चन है बच्चों की तरफ से कि इसके बाद आपने सोचा कि आपको करियर अपना एक्टिंग फील्ड की तरफ जाना है जी सर, है ना। तो ये एक्टिंग फील्ड की जो प्रेरणा है मुझे लगा है कि आपका शायद एक इंटीरियर एरिया के ऊपर रिमोट एरिया जो है आपके चिचगढ़ में, उस रिमोट एरिया के ऊपर एक छोटा सा मूवी आपने बनाया है और उसके बाद में एक शॉर्ट मूवी आपका शायद आया है स्याड़ा माजी स्याड़ा, मिस कब ओपन होने वाली स्कूल कोरोना क्राइसिस के बाद में, इसके ऊपर थोड़ा सा हुआ है। तो ये सब प्रेरणा आपको कहां से मिली? सर ये प्रेरणा हमारे मित्र है खुर्शीद शेख सर करके, जो आलापल में मेरे परिचित मित्र थे, तो उन्होंने भी डायरेक्शन के फील्ड में बहुत अच्छा नाम कमाया है सर। वो एक्टर भी है और डायरेक्शन फील्ड में भी वो मुख्याध्यापक रहे हैं और एक आदर्श शिक्षक करके उनका अवार्डेड भी गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र से हुआ है सर। तो उनसे भी काफी कुछ प्रेरणा लेगी, वह मित्र है जैसे आप है हितेश कुमार सर है, तो जैसे आपसे प्रेरणा मिली उनसे भी मुझे बहुत कुछ प्रेरणा मिली सर। और डायरेक्शन का फील्ड उन्होंने ही मुझे इंस्पायर करा और मैं हमेशा बच्चों के साथ में रहता हूँ सर, मेरे बच्चे अगल बगल रहते हैं तो क्यों ना मेरे बच्चों के जो अंदर छुपी स्किल है तो स्किल को क्यों ना मैं आगे बढ़ाऊ करके माजी शाला के बाद ये संवेदनशील एक शॉर्ट फिल्म मैंने सर 20 तारीख को लॉन्च किया है अपने यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पर। क्या बात है। तो यहाँ पर देखिए सर की माजी शाला ये मूवी भी आ चुकी है, इस मूवी से भी आप अलग से एक मोटिवेशन ले सकते हैं। यहाँ पर मुझे एक बात बताइए सर, जैसे आपने अपने बच्चों को लेकर मूवी बनाया जी सर, तो यहाँ पर बच्चों में भी एक अलग सा एक्साइटमेंट आपको देखने को मिला होगा, जैसे कैमरे के आगे आना है तो बहुत सारे बच्चे एक्साइटेड रहते हैं, कभी अगर हम स्कूल में फोटोग्राफी वगैरह भी कर लेते हैं तो बच्चे अपना चेहरा दिखाने के लिए एक्साइट रहते हैं, ये चीजें हमने देखी है ना। तो यहाँ पर जब आप मूवी बना रहे हैं और बच्चों को जब पता चला कि हमारे सर मूवी बना रहे हैं, अब हम YouTube पे जाने वाले हैं और अगर देखा जाए तो आज के तारीख में YouTube यार टीवी से बड़ा प्लेटफॉर्म है जी जी बिल्कुल, और टीवी से बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और आने वाले 5 साल के बाद में तो मुझे लगता है टीवी को पूरा ओवरलैप कर लेगा बिल्कुल सर। तो ये जब इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे बच्चे जा रहे हैं तो कुछ उनमें आपने एक्साइटमेंट तो और देखा होगा ना? बहुत बड़ा एक्साइटमेंट और बहुत बड़ा थ्रिल सर। यहाँ तक नहीं, मेरे बच्चे तो मैं तो उनको एक ऐसा गाइडेंस किया हो सर कि उन्होंने कैमरा तक हैंडल किया है। अरे वाह। जो वैष्णव विड़का करके एक पिक्चर लास्ट टाइम रिलीज हुई है सर, उसमें मेरे कुछ बच्चों ने शैलेश का नाम लूंगा मैं पर्टिकुलरली, तो शैलेश गरत ने वहां पर सर कैमरे का भी रोल अदा किया, कैमरा भी उसने हैंडल किया है और मेरे हॉस्टल के और मेरे स्कूल के जो बच्चे थे उन बच्चों ने भी बहुत अहम रोल प्ले किया सर। साइनेस तो होता है लेकिन उनमें का वो साइनेस हटाकर एक्साइटमेंट लाना और कैमरे के सामने वर्क करवाना ये बहुत बड़ी कवायद होती है सर, और वो कवायद को हमने झेले हैं और उनको बच्चों को आगे बढ़ाया है। नहीं ये बात तो मैं मानूंगा सर, कैसा है कैमरे के आगे वर्क करना इतनी आसान सी बात नहीं है, क्योंकि मैंने स्टेज के बड़े बड़े कलाकार देखे हैं जब कैमरे के आगे लाया जाए
या फिर कैमरे के में बड़े बड़े कलाकार दिखाए जिनको स्टेज पे लाया जाए, तो जो भी हम कुछ नया करते हैं तो एक नया एक्सपीरियंस जो होता है वो हमें एक्साइटमेंट तो जरूर देता है, लेकिन उसके साथ साथ जो लर्निंग करने का मौका मिलता है नए एक्सपेरिमेंट में, तो वो कुछ अलग चीज होती है, बहुत अलग होता है सर। अब मुझे एक बात बताइए सर, इस प्लेटफॉर्म से आप बच्चों को, जैसे कि एक सवाल है, बच्चों को एक्टिंग फील्ड में आप लाना चाहते हैं, बिल्कुल। तो सबसे पहली बात है, हम देखते हैं हमारा जो विदर्भ है, विदर्भ के अंदर बात करते हैं, ऐसे कोई प्लेटफॉर्म अवेलेबल नहीं है बच्चों को कि अगर वो एक्टिंग फील्ड में जाना चाहे तो दिशा नहीं है, किधर भागे, क्या करे, है ना, ना कोई अच्छी क्लासेस है। तो इसके बच्चों को इस बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप? जी मेरे प्यारे बच्चों, देखो संजू सर जो आज हमारे इंटरव्यू ले रहे हैं, तो वो भी एक मंजरी कलाकार है जिन्होंने, तो इनका टैलेंट स्टेज पे उभरा है, और हम भी जैसे छोटे मोटे कलाकार डायरेक्शन के फील्ड में आए हैं तो इनकी प्रेरणा से ही आए हैं, और जो हमारे मित्र हमारी टीम है उनकी प्रेरणा से ही हम इस स्टेज पे आ चुके हैं। तो मैं आपको भी बोलना चाहूंगा, बताना चाहूंगा कि आप भी हमसे जुड़िए, हमारे प्लेटफॉर्म पे आइए, हमारे सोशल मीडिया के थ्रू आपको भी हम प्रमोट करेंगे, और आप में जो छुपे टैलेंट है हमें उजागर करने का बिल्कुल कोशिश करेंगे सर, आप कर सकते हैं। कि आज का वीडियो, आज का सेशन अच्छा लगा है तो सब तक के शेयर करना ये आपकी जिम्मेदारी है, और आपके हर प्रॉब्लम के लिए नया सोल्यूशन लाना ये मेरी जिम्मेदारी है, और अच्छा लग रहा है तो शेयर लाइक।